हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10B क्वेश्चन नंबर 1 से चैप्टर 10 प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट में से। एक्सरसाइज 10 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने इस चैप्टर की सारी इंट्रोडक्शन में फॉर्मूलाज भी कर लिए थे। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले चैप्टर एक्सरसाइज जो हमारे चैप्टर 10 में एक्सरसाइज 10A है उसकी वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको सारे फॉर्मूलाज भी क्लियर हो जाएंगे। फिर हम स्टार्ट करते हैं अपनी न्यू एक्सरसाइज 10B। और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। फाइंड द कॉस्ट प्राइस इफ़ सेलिंग प्राइस इज 21 एंड गेन परसेंटेज 5%। हमने ऑलरेडी फॉर्मूलाज में कर लिया था, एक बार हम फॉर्मूलाज को रिवाइज भी कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया था फॉर्मूला में कि अगर आपको यहाँ पर हमें क्या पूछे है, फाइंड करना है कॉस्ट प्राइस। तो अगर कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस सीधा नहीं दिया, रुपीज में परसेंटेज में दिया, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर प्रॉफिट हुआ है तो SP इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, और अगर लॉस हुआ है तो 100 माइनस लॉस परसेंटेज कर देंगे। और वीडियो जो एक्सरसाइज 10A की वीडियो है वो ज़रूर देख लीजिए, जिससे आपको बेसिक कंसेप्ट भी सारा समझ आ जाएगा और सारे फॉर्मूलाज भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे जो जो हमें गिवन था हमने ऑलरेडी लिख दिया है। सबसे पहले हमारी सेलिंग फॉर्मूला हमने लिख दिया, सेलिंग प्राइस कितनी है 21 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, वो है 5 हमारे पास। तो आपके पास आ गया इसको सॉल्व करके, इनको दोनों को ऐड कर देने हैं, और बाय मिस्टेक आपने इन दोनों को कटिंग नहीं कर देनी। बच्चे करते हैं ये गलती, 100 से 100 कट नहीं होगा क्योंकि नीचे प्लस हो रहा है। जब भी डिवाइड में कोई भी आपके पास ऐसे फ्रैक्शन दी हुई है और सेम नंबर्स भी हैं, पर नीचे वाला नंबर जो ऊपर भी हो वो सेम डिजिट प्लस या माइनस हो रहा है, तो पहले आप उनको प्लस माइनस करेंगे एंड देन सॉल्व करेंगे। अब देखिए, इनकी कटिंग भी हो सकती है, 5 के टेबल में 5 20 सा एंड 5 21 सा, 21 के टेबल में दोनों चले गए 21 सा एंड आंसर आ गया हमारा 20 रुपीज़। ये आ गई आपकी कॉस्ट प्राइस, और हमें कॉस्ट प्राइस ही फाइंड करनी थी। अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हमें गिवन दिया हुआ है कि आपके पास यहाँ पे हमारी सेलिंग प्राइस है रुपीज़ 22, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं रुपीज़ 22 एंड उसके साथ हमें लॉस दिया हुआ है। यहाँ पे लॉस परसेंटेज कितनी दी है आपको 12%, तो लॉस है हमारा 12%। अब आपको कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला लगाना है, दैट इज़ सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंटेज। देन जब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। सबसे पहले सेलिंग प्राइस की जगह क्या आ जाएगा, 22 देन इंटू 100 माइनस 12, तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आ गई 22 इंटू 100। अब इसमें से माइनस कर देते हैं 12, 100 में से जब आप 12 माइनस करेंगे तो आपके पास बच जाएगा 88। अब इनको पहले हम 11 के टाइम में कट करते हैं, 11 टू ज़ा 11 एट ज़ा 2 वन ज़ा 2 फोर ज़ा 4 वन ज़ा 4 4 25 ज़ा, तो हमारे पास आंसर आ गया 25 रुपीज़। ये क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ एनी आर्टिकल। अब देखिए थर्ड पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है। थर्ड पार्ट में हमें गिवन दिया हुआ है आपके पास सेलिंग प्राइस है रुपी 340, देन गेन हुआ है हमें इस ट्रांजैक्शन पे रुपी 20 का। अब गेन हमें ऑलरेडी रुपीज़ में बता दिया, अब तो हमें कोई परसेंटेज नहीं दी, तो हम सिंपल फॉर्मूला लगा सकते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या होता है कॉस्ट प्राइस फाइंड करने का, देखिए जब भी आपको गेन होता है ना तो आपकी कॉस्ट प्राइस कम होती है हमेशा सेलिंग प्राइस से, तो सेलिंग प्राइस माइनस गेन, जब हम प्रॉफिट भी लिख सकते हैं, तो सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को माइनस कर देते हैं, हमारे पास आ गई 320। ये आ गई हमारी कॉस्ट प्राइस। अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट। इसमें हमें सेलिंग प्राइस गिवन दी हुई है रुपीज़ 200, ये हो गई हमारी सेलिंग प्राइस, और हमें लॉस दिया हुआ है रुपी 50 का। अब आपको क्या फाइंड करना है, अगेन हमें तो फाइंड करनी है कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है अगर लॉस हो, कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस प्लस लॉस, तो सेलिंग प्राइस में आपको लॉस को ऐड कर देना है, आपका आंसर आ गया रुपी 250। देखिए अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट। फिफ्थ पार्ट में हमें सेलिंग प्राइस दी हुई है रुपी 1, देन लॉस है हमारे पास
फाइव पैसे। अब ये पैसे में तो इसको पैसे में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। तो अब बताइए ये हमारी सेलिंग प्राइस आ गई, लॉस आ गया। हमें फाइंड करना है कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है? सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। तो 100 + 5 आपके पास आ गया 105 पैसे। और अगर हमें 105 को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पीछे से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल, तो आपके पास आ जाएगा आंसर रुपीज़ में कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू रुपी 1.05 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 2, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 810 अ लॉस ऑफ 10% इज सफर्ड, फाइंड इट्स कॉस्ट प्राइस। तो सबसे पहले हमें सेलिंग प्राइस पता है 810 और लॉस के परसेंटेज पता है, हमें फाइंड करनी है कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ पे देखिए सेलिंग प्राइस है हमारे पास 810, लॉस परसेंटेज दी है, हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारा? सेलिंग प्राइस है 810, 100 माइनस 10, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 810 इंटू 100/90। देन हम यहाँ पे इजीली लिख सकते हैं, इसकी कैलकुलेशन को सॉल्व कर देते हैं, कटिंग हो जाएगी। यहाँ पे 0 से 0 कट, 9 1s 9 9s, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 9 × 100 900। कॉस्ट प्राइस हमारे पास आ गई ₹900। हमें इस क्वेश्चन में यही फाइंड करना था। अब सेकंड थर्ड क्वेश्चन है, उसमें हमें एक स्कूटर की सेलिंग प्राइस दी हुई है और गेन प्रॉफिट परसेंटेज भी दिया हुआ है, बस हमें वैल्यूज़ पुट करनी है। ये हो गया हमारी सेलिंग प्राइस 100 100 + 15%, तो आपके पास आ गया 92, 100 100/115। अब करते हैं हम इनकी कटिंग, जहाँ पे जितना भी सॉल्व हो सकेगा। देखिए जैसे हम 5 के टाइम भी कर सकते हैं, 5 2s 10, 0 एज इट इज़, 5 2s 10, 5 3s 15। देन अब 23 के टेबल में कटिंग कर लेते हैं, क्योंकि वो एक प्राइम नंबर है। 23 1s 23 4s 92 होता है, पीछे 2 0s एज इट इज़। आपको क्या करना है, सिंपली हमारे पास क्या बचा, हम लिख देते हैं कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 400 × 20, क्योंकि यहाँ पे 20 भी था, 4 2s 8, देन 000s, कॉस्ट प्राइस ऑफ अ स्कूटर इज 8000 रुपीज़। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमें सेलिंग प्राइस दी हुई है 2640 एंड प्रॉफिट परसेंटेज भी ऑलरेडी दी है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले इसकी जो हमें वैल्यूज़ दी हैं वो पुट करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 100 + 10 और देन आगे हम कर देते हैं इसको सॉल्व। सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारे पास, 100 नीचे 110, देखिए ये कट हो गया। उसके बाद देखते हैं 11 के टेबल में इसकी कटिंग होती है कि नहीं। 11 1s 11 आ गया सबसे पहले, 11 2s 22, 4 बच गए, 4 44 हो गया, 11 4s 44। देन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 24 × 100 2400। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के 2 पार्ट थे। फर्स्ट पार्ट तो हमने फाइंड कर लिया, हमारी कॉस्ट प्राइस आ गई 2400। देन उन्होंने हमसे पूछा है आपको फाइंड करनी है न्यू सेलिंग प्राइस अगर हमारा प्रॉफिट हो 15% का। अब देखिए सेकेंड पार्ट के लिए हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये फॉर्मूला हम तब अप्लाई करेंगे जब हमें फाइंड करनी है कॉस्ट प्राइस, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया। सेकेंड पार्ट में हमें फाइंड करनी है सेलिंग प्राइस। तो देखिए हमें उन्होंने पूछा था सेलिंग प्राइस फाइंड कीजिए अगर आपका प्रॉफिट है 15% का। तो कॉस्ट प्राइस तो हमने ऑलरेडी फाइंड कर ली, जो कॉस्ट प्राइस फाइंड किया वो आप वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। 100 प्लस प्रॉफिट कितने हैं, 15/100, देन 2400, यहाँ आ गया 115/100, 0 0s कट गई। अब यहाँ पे देखिए हमने 24 को क्या कर देना है, 115 से मल्टीप्लाई, 24 × 115, तो हमारा आंसर आ गया 2760 रुपीज़। ये आ गई आपकी सेलिंग प्राइस। क्वेश्चन नंबर 5, अ टीवी सेट सोल्ड फॉर ₹6800 एंड लॉस हुआ है 15% का। सबसे पहले आपको फाइंड करनी है कॉस्ट प्राइस, और जब कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे जैसे मैं लास्ट क्वेश्चन में किया था, तो हमें न्यू सेलिंग प्राइस निकालनी है जिसमें गेन हुआ होगा 12% का। अब देखिए यहाँ पे हमने ऑलरेडी लिख लिया है सेलिंग प्राइस कितनी है हमारी, 6800। देन 100 यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 100 - 15, क्योंकि लॉस आपका है 15%। उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे,
6800 एज इट इज़, देन 100 नीचे आ गया 85। अब कटिंग कर लेते हैं, जैसे हमारे पास 5 के टेबल में हो ही सकती है, 520 एंड 517, देन 17 के टेबल में कटिंग कर लेते हैं, 17 1s 17 4s 68, 20s एज इट इज़। कोस्ट प्राइस आ गई हमारे पास 4 2s 8, 30s हमारी कोस्ट प्राइस आ गई 8000 रुपीज़। अब उन्होंने हमें बताया था हमें फाइंड करनी है न्यू सेलिंग प्राइस। न्यू सेलिंग प्राइस तब फाइंड करनी है जब हमें कितने का प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट हुआ है 12% का। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रॉफिट इज़ 12%। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, कोस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100। आई होप सारे स्टूडेंट्स को सम करते करते फॉर्मूलाज भी लर्न हो गए होंगे, क्योंकि अगर आप फॉर्मूलाज अच्छे से लर्न कर लेंगे ना तो आपके लिए चैप्टर करना बहुत सिंपल है। चैप्टर में बेसिकली एक कंसेप्ट को तो समझना ही है और फॉर्मूलाज के साथ साथ, जिस बच्चे को स्टूडेंट को अच्छे से फॉर्मूलाज लर्न हो गए हैं ना तो उसके लिए सम्स करने बहुत सिंपल हो जाएंगे। अब देखिए, सबसे पहले हमारे पास तो कोस्ट प्राइस हमने फाइंड कर ली थी, मैंने यहाँ पुट कर दी। अब प्रॉफिट परसेंटेज भी हमें बताया था, इसको ऐड कर देते हैं। देखिए 20 से जीरोस कट गई, अब सिंपली आपको इनको मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास हमारी न्यू सेलिंग प्राइस आ जाएगी। देन मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया 8960 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 6, अ फ्रूट सेलर अबाउट मैंगोज एट ₹90 पर डजन, मीन्स उसने 1 डजन दैट इज 12 मैंगोज 90 रुपीज़ के लिए और सेल किया है 8% लॉस पे। हमें फाइंड करना है कस्टमर जब पे करेगा उसको, जब बाय करेगा तो 1 मैंगो के लिए कितना पे करेगा और 40 मैंगोज के लिए कितना पे करेगा। अब यहाँ पे देखिए, कोस्ट प्राइस ऑफ 1 डजन, जहाँ आप लिख सकते हैं 12 मैंगोज की 90 रुपीज़ है, लॉस 8%। पहले तो हम 1 डजन की सेलिंग प्राइस फाइंड करते हैं, 90 × 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100, तो हमारे पास आ गया 90 × माइनस का कितना आ जाएगा यहाँ पे 92 अपॉन 100, यहाँ पे 0 से 0 कट गया। देन इन दोनों को पहले को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 9 2s 18, 9 9s 81, 1 carry 82 अपॉन 10, तो आपके पास आ गया सेलिंग प्राइस ऑफ 1 डजन मैंगोस इज इक्वल टू ₹82.8। तो हमें लिखना होता है जैसे 80 पैसा होता है, पीछे तो हमने जीरो लगा दिए, 82.80 हमारे पास ये क्या आ गया, सेलिंग प्राइस है 1 डजन की। अब हमें सबसे पहले फाइंड करना है 1 की कितनी होगी, तो हम यहाँ लिख लेते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ 1 मैंगो इज इक्वल टू, आप बताइए 1 मैंगो की कितनी होगी, जितने आपके पास ये 12 मैंगोज की है ना, 12 डजन मीन्स 12 मैंगोज की, अगर आपके पास 12 मैंगोज इतने के सेल हुए हैं तो 1 कितने का सेल हुआ होगा, 12 से कर देते हैं डिवाइड। आप सीधी कटिंग भी कर सकते हैं, डेसिमल हटा के करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखिए, अगर हम डेसिमल हटा के कटिंग करना चाहें तो हम 100 को पहले एज इट इज़ लिखा रहने देते हैं, तो 12 के टेबल में कटिंग कर लेते हैं, जहाँ 2 से भी स्टार्ट कर सकते हैं जैसे आपको ईजी लगे। अगर 2 से स्टार्ट करना है तो देखिए 2 6s 12, 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 4s 2 1s 2 4s 0, अगेन 2 के टेबल में जा सकते हैं 2 2s 2 0s 2 7s 0 एज इट इज़ एंड 2 3s, देन 3 के टेबल में 3 1s 3, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 6s 18, 20 बच गए, 27 3 9s 0 एज इट इज़, तो हमारे पास आ गया 690 अपॉन 100, पीछे से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे, तो हमारे पास आ गया 1 मैंगो की सेलिंग प्राइस आ गई ₹6.90। अब हमें फाइंड करनी है सेलिंग प्राइस ऑफ 40 मैंगोज, ध्यान से समझना है, पहले हमने 1 की निकाल ली है, 40 की फाइंड करने के लिए जो 1 की सेलिंग प्राइस है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। और सबसे पहले 2 जीरोस एज इट इज़, 4 9s 36 एंड 4 6s 24, 3 हमारे पास कैरी थी हमने ऐड कर दिया और पीछे से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दिया, तो हमारे पास 40 मैंगोज की सेलिंग प्राइस आ गई ₹276।
आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, और उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बाय सेलिंग 2 ट्रांजिस्टर्स फॉर ₹600 ईच, मीन्स दोनों की सेम सेलिंग प्राइस है, फर्स्ट की भी 600, सेकेंड की भी, शॉपकीपर गेन 20% ऑन वन एंड लूजेस 20% ऑन द अदर। मतलब सेल उसने दोनों ही 600 के किए हैं, एक को सेल करने पे 20% का लॉस हुआ है और एक को सेल करने पे 20% का प्रॉफिट हुआ है। हमें फाइंड करना है कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच ट्रांजिस्टर, देन टोटल सीपी एंड टोटल एसपी, आफ्टर डैट हमने देखना है होल ट्रांजेक्शन पे प्रॉफिट हुआ है कि लॉस। देखिए इंडिविजुअल तो एक पे प्रॉफिट हुआ है, एक पे लॉस हुआ है, अगर दोनों को ऐड कर दें दोनों की कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को, फिर चेक करेंगे प्रॉफिट है कि लॉस। अब यहाँ पे देखिए मैंने टू पार्ट्स में लिख दिया, सबसे पहले फर्स्ट जो ट्रांजिस्टर है 600 का, सेकंड भी 600 का है, इसमें हमें 20% का प्रॉफिट हुआ है, इस पर 20% का लॉस हुआ है। यहाँ भी कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है, यहाँ भी यहाँ प्रॉफिट परसेंटेज, इसलिए प्लस लॉस है तो माइनस हो रहा है। सेलिंग प्राइस है आपके पास 600 इंटू 100, 100 प्लस 20, देन सॉल्व कर देते हैं यहाँ पे हम 100, यहाँ आ गया 120, यहाँ पे 0 से 0 कट, 12 वन्स आ एंड 12 फाइव्स आ, तो कॉस्ट प्राइस आ गई हमारे पास 5 × 100 ₹500। अब यहाँ पे पुट करते हैं वैल्यू 600, देन 100, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 100 माइनस 20, तो वैल्यू आ गई आपके पास 600, 100 अपॉन 80। अब सबसे पहले देखिए 0 0 यहाँ भी कट सकता है, एंड देन 5 के टेबल में भी कटिंग कर सकते हैं, 5 2 के टेबल में कर देते हैं पहले, 5 2 5 ज़ा 10, एंड यहाँ पे आ जाएगा 2 4 ज़ा 8, देन 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4 20 बच गए, 4 5 ज़ा 20, 0 एज इट इज़, 15 5 ज़ा 75 एंड 0, ये आ गई हमारी कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड ट्रांजिस्टर। अब हमें फर्स्ट पार्ट में तो पूछा ही ये था कि दोनों के इंडिविजुअल कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ वन ट्रांजिस्टर इज इक्वल टू रुपी दिस, एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड या अदर ट्रांजिस्टर आप कह सकते हैं रुपी दिस। दोनों की कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड कर दी। सेकेंड पार्ट में हमें फाइंड करना था टोटल कॉस्ट प्राइस एंड टोटल सेलिंग प्राइस। टोटल सीपी के लिए हमें इन दोनों की कॉस्ट प्राइस को क्या करना होगा, ऐड कर देना होगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा ऐड करके 1250। अब हम देखते हैं टोटल सेलिंग प्राइस, टोटल सेलिंग प्राइस है हमारे पास 600 प्लस 600 दैट इज 1200। अब देखिए टोटल बाय कितने में किया था 1250 में, टोटल सेल कितने में किया है 1200 में, तो आप खुद देख के मुझे बता सकते हैं कि इस ट्रांजैक्शन में आपको प्रॉफिट हुआ है कि लॉस। हमें हुआ है लॉस। अब हम फाइंड करेंगे अपना टोटल लॉस, टोटल लॉस कितने का हुआ 50 रुपीज़ का, दैट इज़ कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारी इतनी, इसमें से सेलिंग प्राइस को कर देते हैं हम माइनस, देन हमारे पास कितना बच जाएगा यहाँ पे आ गया 50, या आ गया आपका लॉस, और हमें यहाँ पे लॉस के साथ साथ लॉस परसेंटेज भी फाइन करनी है। तो लॉस परसेंटेज का क्या फॉर्मूला है, लॉस अपॉन सीपी इनटू 100, तो 50 अपॉन 1250 इनटू 100, ये आ जाएगी आपके पास लॉस परसेंटेज। देखिए 0 से 0 कट रहा है, 5 वन ज़ा 5 25 ज़ा 25 वन ज़ा 25 फोर ज़ा, तो आपके पास लॉस की परसेंटेज आ गई 4%, ये आ गया हमारा आंसर। अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 7 अच्छे से कंप्लीट कर ली है 10B के। नेक्स्ट वीडियो से हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। आई होप सारे स्टूडेंट को अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।